नमस्कार दोस्तों, सीके पी सी आर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों चलिए आज हम बात करेंगे यहाँ पे कैलिपर्स के बारे में। जो आपके सामने यहाँ दिखाई दे रहा है वो है कैलिपर दोस्तों, ठीक है। तो इस कैलिपर को किस प्रकार से डिवाइड है, कैसे यूज किया जाएगा, इसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले इसका एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ दोस्तों कि कैलिपर्स होता क्या है। कैलिपर्स की बात करें तो जब हम रूल से किसी जाप का माप लेते हैं, स्टील रूल होता है इसके साथ दोस्तों, क्योंकि ये अप्रत्यक्ष मापी टूल होता है और स्टील रूल के साथ हम इसका यूज करते हैं, तो उतना माप इससे सब परिशुद्ध नहीं हो पाता है, इसीलिए हम कैलिपर के साथ स्टील रूल का यूज करते हैं दोस्तों। कैलिपर का प्रयोग करते समय अगर बात करें तो ये अप्रत्यक्ष मापी औजार है और इसका प्रयोग किसी जाप की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई या व्यास निकालने के लिए हम कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यह स्टील रूल का होना इसके साथ जरूरी होता है और कहें तो हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है और माइल्ड स्टील का भी बनाया जाता है। अगर माइल्ड स्टील का रहेगा दोस्तों तो इसके पॉइंट को, जैसे यहाँ पे लेग है दोस्तों, ये टंगरी है, इसकी लेग है, टांग है, इसका जो पॉइंट है दोस्तों इसको कार्बाइड टिप्स कर दिया जाता है, क्योंकि अगर कार्बाइड टिप्स नहीं रहेगा तो इसमें दिक्कतें ये होगी कि दोस्तों ये जल्द से जल्द घिस जाएगा जाप पे रखने से, इसीलिए ऐसा किया जाता है। आगे बात करें दोस्तों, यह दो प्रकार की होती है। तो पहला हो जाएगा फर्म ज्वाइंट रिविट टाइप कैलिपर, फर्म ज्वाइंट रिविट टाइप कैलिपर। तो ये जो ज्वाइंट के अनुसार है ये है रिविट दोस्तों। तो फर्म ज्वाइंट रिविट टाइप कैलिपर जो फर्म होता है ये और लाइक कैलिपर है, चूंकि इसी प्रकार से रहेगा। वो किस तरह से रहेगा, फर्म वाला बिल्कुल सीधा ऐसे रहेगा दोस्तों, फर्म ज्वाइंट हो जाएगा दोस्तों, रिविट टाइप कैलिपर फर्म रहेगा, स्प्रिंग नहीं रहेगा। और दूसरा रहेगा दोस्तों स्प्रिंग टाइप कैलिपर। तो स्प्रिंग जो रहेगा दोस्तों वो कुछ इस प्रकार से रहेगा, उसे स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर कहते हैं, ठीक है। तो अब बात करेंगे कि फर्म ज्वाइंट या रिविट टाइप कैलिपर की, तो यह कैलिपर बड़े से बड़े जाप को मापते हैं जो फर्म ज्वाइंट रहेगा, क्योंकि ये जो रिविट है यहाँ मान लीजिए ये है नहीं और ये भी मान लीजिए है नहीं, अब हो गया ये रिविट टाइप कैलिपर, ठीक है। अब ये कहा जाएगा इसका बड़े से बड़े जाप को माप लेने के लिए इसका काम किया जाता है। इसकी टांग के ऊपरी सिरे पर रिविट करके जोड़ दिया जाता है, ये टांग है दोस्तों, इसके सिरे ऊपरी यहाँ रिविट करके जोड़ दिया जाता है। अब जोड़ने के बाद से इसके माप ले सकते हैं और बिल्कुल परिशुद्ध माप लेने के लिए हम स्टील रूल का यूज करेंगे। अब बात करेंगे स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर की, तो ये आपको अब स्प्रिंग ज्वाइंट हम कर देते हैं, ठीक है। माना और मान लिया कि ये स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर, अब इसकी बात करेंगे। इसकी भी दो टांगे हैं दोस्तों, फर्म ज्वाइंट के अपेक्षा उत्तम होते हैं क्योंकि उससे अच्छा होता है। देखिए फर्म में क्या होता है कि इसको आगे पीछे करने में दिक्कत होती है और इसमें क्या होता है, एडजस्टेबल करना पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अधिकतम उत्तम होता है और इन कैलिपर के दोनों टांगों पर एक स्प्रिंग की धुरी, यहाँ देख सकते हैं, पिविट पिन के रूप में इसको जोड़ा जाता है। इसे खोलने बंद करने के लिए स्क्रू नट लगा होता है जो आपके सामने यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेट नर्लिंग की गई है, आप देख सकते हैं ये स्ट्रेट नर्लिंग है इस पर, और ये थ्रेड है आपका बाल है दोस्तों, ये पे रिविट पिविट करके और इसे रिविट पिविट करके फिट कर दिया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद साइज की बात करेंगे, तो लेग के पॉइंट से रिविट के सेंटर तक इसका साइज लिया जाता है दोस्तों। अब यहाँ से हम दोस्तों आपको टाइप्स ऑफ कैलिपर के बारे में बताते हैं। तो जो टाइप्स ऑफ कैलिपर होता है, तो पहला बाय कैलिपर होता है इसको, ठीक है। तो बाय कैलिपर की बात करेंगे यहाँ पे, तो बाहरी माप लेने के लिए किसी जाप का, ये जाप है मान लीजिए दोस्तों, इसका बाहरी माप लेना है तो इसको बाहरी माप लेने के लिए इस तरह से हम यूज करते हैं इसको, ठीक है। एग्जाम्पल में देख सकते हैं आप, ये हमारा बाहरी माप, इसको टाइट कर देंगे दोस्तों यहाँ पे, और लेने के बाद जब ये पूरी इस तरह से हो जाएगी दोस्तों, तो इसको क्या करेंगे, इसके द्वारा लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, ये सारे प्रक्रिया हम कर सकते हैं। इसकी दो टांगें होती है दोस्तों, ठीक है। अब इसको निकालने के बाद से क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ इसको निकालने के बाद से स्टील रूल जो रहेगा उस पर रखेंगे और वह मेजरमेंट कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पे आपका प्लास्टिक की स्केल है, ये रखें, स्टील रूल मान लीजिए कि स्टील रूल है, रखेंगे जितना रहेगा उतना मेजरमेंट करके हम बता देंगे कि इतना मिलीमीटर की चौड़ाई है इसकी, लंबाई की बात करेंगे और बड़ा कर लेंगे, लंबाई ज्ञात कर लेंगे। इसकी अगर बात करें अंदर की, तो ये भी अंदर की माप हम ले सकते हैं बिल्कुल आसानी से, ये देख सकते हैं आप। अब यहाँ से हम नाप लेंगे दोस्तों, अब स्टील रूल की सहायता से इसका माप निकालेंगे। ये हो गया दोस्तों आउटसाइड कैलिपर। अब इनसाइड कैलिपर की बात करेंगे, तो ये रहा आपका दोस्तों इनसाइड कैलिपर। इनसाइड कैलिपर की बात करेंगे तो स्लॉट या गैप की चौड़ाई, भीतरी व्यास मापने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। दोनों सिरे की टांगे बाहर की तरफ 45 डिग्री पर, ये जो है दोस्तों 45 डिग्री पर मुड़ा होता है, कहीं कहीं आप 90 पे भी मोड़ सकते हैं। इसके द्वारा माप लेने के लिए
स्टील रूल की फिर आवश्यकता पड़ती है। अब चलते हैं इसका यूज करके बता देते हैं। दोस्तों मान लीजिए यहाँ का डेप्थ नापना है तो क्या करेंगे, इसको दबाएंगे और पूरी तरह से बंद कर देंगे। दोस्तों इसका हम अंदर की डेप्थ नाप लेंगे। अब कितना है दोस्तों, यहाँ पे मेजरमेंट करके हम देख सकते हैं और बता सकते हैं इतने मिलीमीटर इसकी डेप्थ है या इनसाइड, मतलब इसकी जो सर्किल है जो भी है डेप्थ इसका इनसाइड इसका बता देंगे, ठीक है, इंटरनल व्यास या गैप बता देंगे, ठीक है। अब अगली बार बात करेंगे दोस्तों इसको परशुद्ध माप लेना है तो माइक्रोमीटर में भी, जैसे माइक्रोमीटर होता है तो उसमें भी क्या करेंगे, स्पेंडल के बीच में इसको डाल देंगे और माइक्रोमीटर टाइट करेंगे, जब चुट चुट की आवाज़ आ जाएगी तो इसको निकाल के मेजरमेंट काउंटिंग करके बता देते हैं दोस्तों, ठीक है। चलते हैं अगला बात करेंगे ऑड लेग कैलिपर की। तो ये ऑड लेग कैलिपर है दोस्तों, देखते हैं ऑड लेग कैलिपर, ये रिवेट जॉइंट होता है यहाँ पे या पिवट जॉइंट भी बोल सकते हैं। एक टांग सीधी और एक टांग 45 डिग्री पर मोड़ी होती है। अब ये दो टाइप में होते हैं, एक फिक्स टाइप होता है और एक दूसरा बी एडजस्टेबल टाइप का होता है और तीसरा सी टाइप का होता है। ये तीन टाइप में मिलते हैं। इसका प्रयोग समानांतर रेखा खींचने के लिए हम इसका यूज करते हैं दोस्तों, और गोल जाब पर सेंटर निकालने के लिए, कोई गोल जाब है वहाँ इसकी पॉइंट रख देंगे और बिल्कुल आसानी से सेंटर हम ऐसे निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से, या समानांतर रेखा खींचना है तो ये लगा आपका और ऐसे समानांतर लाइन हम खींच सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल आसानी से दोस्तों, ठीक है। ये लगाएंगे यहाँ पे और ये ऐसे समानांतर लाइन खींच सकते हैं। एग्जांपल मान लीजिए इसी को हम ले लेते हैं, तो ये रहा आपका कोई जाब और ये रहा आपका समानांतर लाइन, ऐसे हम खींच सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ऑड लेग कैलिपर का यूज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसे जैनी कैलिपर, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर भी कहा जा सकता है, ऑड लेग कैलिपर भी कहा जाता है। अब इसके बाद दोस्तों एक आता है और कैलिपर, चार कैलिपर होते हैं, स्थानांतर कैलिपर। स्थानांतर कैलिपर का यूज क्या होता है, स्थानांतर में क्या होता है दोस्तों कि वो रहेगा इसी प्रकार से, लेकिन ये नहीं रहेगा उसमें और ये वाला, मतलब बॉल नहीं रहेगा, स्प्रिंग नहीं रहेगी और ये आपका ऊपर का स्प्रिंग नहीं रहेगा, लेकिन ऐसे रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एडजस्टेबल लगा होता है, एडजस्टेबल ब्लेड लगी होती है। कितना भी बड़ा से बड़ा माप लेना है वो आसानी से, बहुत इससे भी बड़ा से बड़ा एडजस्ट करके हम माप बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल मैं देख रहा हूँ ये कहाँ तक बढ़ रहा है दोस्तों, इसमें पूरा चेक कर लिया जा रहा है, ठीक है। उसके द्वारा अगर बात करें तो किसी स्लॉट की गहराई को माप लेने के लिए हम स्थानांतर कैलिपर का यूज करेंगे। लो इतना बड़ा हो गया दोस्तों, ठीक है, अभी पूर्ण रूप से फैला नहीं है, अभी और हम फैला सकते हैं इसको दोस्तों, ताकि यहाँ पे पूरा सड़ जाएगा। तो स्थानांतर में क्या होता है कि यहाँ पे ब्लेड लग जाएगी जो वहाँ से एडजस्टेबल हम कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको पता हो गया होगा दोस्तों कि कैलिपर्स क्या है और यूज क्या है उसके, ठीक है। कैलिपर्स की बात करें तो ये कैलिपर जो होते हैं अप्रत्यक्ष टूल होता है और चार क्वालिटी में मिलते हैं। पहला आपको बोलेंगे किस तरह से बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे इसमें किस तरह से बात करेंगे दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कि कैलिपर जो हमारा होता है टू टाइप में होता है, फर्म जॉइंट और स्प्रिंग जॉइंट। फर्म जॉइंट की बात करेंगे दोस्तों तो उसमें क्या होती है कि आपका रिवेट टाइप में रहेगा और स्प्रिंग जॉइंट रहेगा तो आपका स्प्रिंग जॉइंट रहेगा, ठीक है। अब उसमें बात करेंगे उसके टाइप में तो आ जाएगा चार प्रकार के, पहला आउटसाइड कैलिपर, दूसरा हो जाएगा इनसाइड और तीसरा हो जाएगा ऑड लेग कैलिपर और चौथा हो जाएगा स्थानांतर कैलिपर। ये आपके सामने है आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, ऑड लेग कैलिपर और स्थानांतर कैलिपर। अब आपका कैलिपर दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, अगले वीडियो मिलते हैं।